आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपके जय जयकार, आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जिसमें आपकी करुणा एक बार फिर से हम सब पर हुई है। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए जो आपके वसीले से हमने पाई और विशेषकर इस पवित्र दिन में जिसमें आज हमने हमें अपने जीवितों के बीच में रखा, हम आपके भवन में आ सके इसके लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम आए हुए हर एक जन के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो मार्ग में हैं, जो आया चाहते हैं प्रभु जी, उन सबको भी ले आए ताकि हम सब मिलकर आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। हमारे उस स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ आपके नाम के लिए प्रभु जी आज लोग एकत्रित है, हर उस स्थान पर आपकी उपस्थिति पाई जाए, आपकी आत्मा की भरपूरी मुहा होने पाए, आपके दासों के साथ हो पिता परमेश्वर, कलीसियाओं की सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं इस स्थान के लिए भी प्रभु जी, इस सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जब आज कुछ देर आपकी संगति में बिताना चाहते हैं, आप हमारी अगुवाई करें, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा सुना जाना, भेंट दिया जाना, गवाही देना, हर एक बात पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा उभारे जाकर करने वाले हो सके। हम सबको अपने नियंत्रण में लेकर अपने निर्देशन में प्रभु जी अपनी आराधना करना सिखाए। एक बार फिर से प्रभु जी समान बातों के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। अभी समय के हम कुछ गीत गाकर उसकी आराधना करेंगे।
धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी। इस आराधना रूपी स्तुति बलिदान को आप ग्रहण करें प्रभु जी, और हमको सिखाएं कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। आगे की पूरी संगति आपके सानिध्य में क्या चाहते हैं, हर एक का निर्देशन करें, हर एक से बातचीत करें और हर एक की अगुवाई करें। सारा आदर इज्जत महिमा आपको मिले, हम घटे ना पड़े। ये विनती आपके बेटे हमारे मुझे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। और अभी समय है कि भजन संहिता में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 64 साम 64 हम बारी बारी से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में आशु हमारी सहायता करेंगे। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचन को तीरों को चढ़ाया है। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं, वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखेगा। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली बातें समझेंगे। आखिरी आज सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर वचन पढ़ने सुनने तो आप सब पाठ लीजिए। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, यह समय है गवाही का। आप सब गवाही दे सकते हैं। आप सबका गवाही में स्वागत है। सबको जय मसीह की। इब्रानियों 10 उसका 19 से लेकर 27 तक। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा अपनाए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया है, जो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इसलिए हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो हम सच्चे मानस पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है पर एक दूसरे को समझाते रहे हैं। और जो जो उस दिन को निकट आते देखे त्यों और वैदिक किया करो, क्योंकि यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी पाप करते रहे तो फिर पाप का कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो ना और आग का एक ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे और आप सबको संभाल के रखा, उसकी महिमा के लिए गायक बोलना चाहूंगी। भजन संहिता 119 उसका 1-5 से 112 तक। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर तेरी हथेली पर रहता है, तो भी तेरी व्यवस्था
तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, परंतु मैं तेरे उपदेश से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपने नीच भाग कर लिया है, क्योंकि वह मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि मैं अंत तक तेरी वीडियो पर चलता रहूँ। आमीन। सबको जन्मसी की मैं सबसे पहले मैं जीत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर की मैं अगले गायत बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 119 उसका 57 से 61 तक। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय कर लिया है, मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मान लिया, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती की है। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया तो मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। आमीन। जीवतों के बीच जीवत रख छोड़ा, इसीलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महान खुदा परमेश्वर हमारे साथ रहा, इसीलिए पिता तेरा धन्यवाद देती हूँ। कितनी खांसी जुकाम हमको सबको हो गई थी, लेकिन प्रभु ने हमारी रक्षा करी, निगवानी करी और हमेशा ढाल बन के रहा, इसीलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम गुडू गाँव गया था, मेरी सासू की बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन हम उसकी गया था, इसीलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दो बार उसको जान जाए जाए फिर भी उसकी जान बच गई, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी वो सही है, सारा हम परिवार इकट्ठा हो गया था, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, अभी वो सही है। और अभी शाम का भी फोन आया था, कह रही थी मेरी बहू, कह रही थी मम्मी अभी जीजी अभी वो ठीक है, खुद ही बैठी हो जाती से खाट से, इसीलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमारे आने जाने में प्रभु ने हमारी सहायता किया, मदद किया और हर एक बीमारी से रोग से प्रभु ने बचाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हमेशा प्रभु हमारा प्रभु के सामने हमें छुपा के रखता है, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लॉकडाउन के टाइम में हम गांव था तो भी मेरी देवर की गाय गाभण नहीं होती थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हमको दो तीनों को दो पोता मैं मिलकर हमने प्रार्थना किया तो वो गाय अभी ब्याएगी। फिर भी फोन आया था, प्रभु का धन्यवाद वो ब्याहगी, वो लोग खुश है कि हम इसको भी हम बेच देते थे, वो भी क्या काम की रख के इसको पालने के लिए ऐसे बोल रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हूँ। परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गायक बनना चाहूँगी। भजन संहिता 119 का 121 से 128 तक। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तो मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जमीन हो ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर करने ना पाए। मेरी आंखें तुझसे उधार पाने और तेरे धर्म वचन के पूरे होने के बाद जोते जोते धुंधली पड़ गई है। अपने दास के संग अपने करुणा के अनुसार वर्ताप कर और अपनी विद्या मुझे सिखा। अपने दास को समझ देगी, मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वो समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय जाना है। मैंने तेरे उपदेशों को सब विषय में ठीक जाना है और मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। भजन संहिता की तीसरी आयत 1 से लेकर 2 तक। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ रहे हैं और जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से लोग मेरे प्राणों के विषय में यह कहते हैं कि इसका दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन उसको
करने वाला है, बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करेगा और उसकी समझ की बढ़ती जाएगा। आमीन। और कोई गवाही देना चाहते हैं? मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने संभाला, अनुग्रह के साथ रखा। क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से और परमेश्वर से कि भवन आने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मार्ग में अगुवाई करी, अच्छी तरह संभाला। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और अभी मैं 27 तारीख को जब मैं यहाँ से वापस झालावाड़ जा रहा था तो हम बस में बैठे हुए थे और मैं बाइबिल पढ़ रहा था, तो एक दो लड़के मेरे पास बैठे हुए थे। एक ने मुझसे पूछा कि ये क्या है भैया? मैंने कहा कि ये पवित्र शास्त्र बाइबिल है। और फिर उसने अपना बताना शुरू किया और मैंने अपने यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। और फिर उसको जो भी डाउट थे क्रिश्चियन के लिए, मसीह जो सुनता था कि, तो उस सारी बातों पे बताने का परमेश्वर ने अवसर दिया। और जब बात करने लगे, उसने मेरा नंबर लिया, मैंने उसका नंबर लिया और मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा कि मैं सकतपुरा में रहता हूँ। तो मैंने कहा कि हमारा चर्च वहीं लगता है सकतपुरा में, कभी आप आओ संडे को। फिर मैंने पूछा सकतपुरा में कहाँ रहते हैं, तो बोलता कि काली बस्ती में रहता हूँ। मैंने कहा कि मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ। और मैंने कहा वहाँ पर एक गुजर का एक बाड़ा है, उसके पीछे ही मैं कल वहाँ पर था शाम को। तो उसने कहा मैं गुजर के बाड़े में ही रहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर किस तरीके से लोगों को मिलाते हैं, अवसर देते हैं उनको प्रभु के बारे में बताने का। एक और लड़का मेरे पास बैठा हुआ था, जब मेरी बातें सुनने लगा और गवाही सुनने लगा तो सडनली बात हुई और उसने बोला कि मैं AU फाइनेंस में हूँ। मैंने कहा मैं हिंदुजा फाइनेंस में हूँ। और उसने कहा कि क्या आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु काम करते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा मैं दादाबाड़ी में रहता हूँ, मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा, आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। जब उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी, मैं सोचने लगा प्रभु ये किस तरीके से आप करते हैं संभव है। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके अनुग्रह और आपकी कृपा। जब मैं झालावाड़ में अपने काम करता हूँ, मैं जब भी खाली बैठता हूँ तो मेरे बलरों में मेरी बाइबिल रखी रहती है और मैं बाइबिल पढ़ता हूँ अधिक। तो एक कस्टमर मुझसे बोलता है कि भैया इस बार जब आप चर्च जाएं, जब आप कोटा जाएं, मेरे लिए पवित्र शास्त्र लाइएगा, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस तरीके से। परमेश्वर अन्य जातियों में जहाँ पर कभी उन लोगों ने कुछ सुना नहीं है, ऐसे ऐसे मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उनको अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। और पिछले दिनों में मेरे साथ एक काम करने वाले ने कहा, अजीत भैया मेरी बेटी 6 महीने की है, पता नहीं क्यों वो कल रात से बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया उस लड़की ने और बिल्कुल शरीर से एकदम हल्की हो गई और बस मम्मी के गले से लगी हुई है वो, और बिल्कुल एकदम डॉक्टर को दिखाता हूँ तो बोलती है एकदम कुछ भी नहीं है इस बच्ची को, और वो अपना बदन ही नहीं झेल रही, बिल्कुल खड़ी नहीं हो रही, बिल्कुल एकदम सुन हो रही है वो। मैंने कहा चिंता मत करना। जब उसने ये बातें बताई तब मेरे अंदर पहली बार ऐसा परमेश्वर ने विश्वास को उत्पन्न किया, तू यहां प्रार्थना करेगा तो वहां पे कार्यों को देखेगा। ये सडनली परमेश्वर ने अचानक मेरे से बातें करना शुरू करा और पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि परमेश्वर मुझसे बोलता है तू यहां प्रार्थना करेगा तो जिस तरह उस राजा की बेटी, उस अधिकारी की बेटी वहां पर अच्छी हुई थी, वो बच्ची वहां पर अच्छा होना शुरू होगी। मैं कोटा आ गया, मैं रूम पर आया और मैं प्रार्थना करने लगा। मैं रात के 12 बजे उस लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा था, उस बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहा था और मैं 12 बजे उसको फोन करने वाला था, मेरे फ्रेंड मेरे साथ में जो काम करता है, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर मैंने अगले दिन पूछा कि रविंदर अभिषेक बच्ची कैसी है? उसने कहा भैया कल रात से उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हुई है।
मैंने कल रात कितने बजे कि कल रात करीब हो रहा होगा भैया 11 12 बजे समथिंग कुछ था और हम दोनों लेकिन कल 12 और कल रात की कुछ ऐसे ही थे आधी रात तक हम लोग जाग रहे थे और तब मैंने देखा कि उसने वापस से मम्मी का दूध पीना वापस से स्टार्ट किया और थोड़ा उसके अंदर बल आना शुरू हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की कृपा के लिए जो परमेश्वर हम निर्बलों से करते हैं हम योग्य नहीं हैं आज भी अपने जीवन को देखते हैं तो वचन के आधार पर लेकिन फिर भी प्रभु का कृपा प्रभु की अनुग्रह है फिर परमेश्वर का सामर्थ्य हम सबके साथ रहता है कार्य करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें विशेष करके जॉब के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर सब कुछ अच्छा करके सारी बातों को सुधार करके देने के लिए परमेश्वर मदद सहायता अनुग्रह सबको देवा जी और निकलने वाली थी मैंने अनिशा और आकांक्षा को कहा आप चलो और मैं आ रही हूँ अचानक मेरी गाड़ी में मेरी गाड़ी की हवा ही निकल गई दोनों टायरों की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एकदम से क्या हुआ जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हुई कम से कम आधा घंटा लग गया मुझे गाड़ी स्टार्ट करने में। फिर वहाँ से स्टार्ट करके हम आगे निकले तो रास्ते में दोनों टायर मिलकर प्रभु आज मुझे चर्च में तो जाना है कैसे भी जाना भले लेट जाऊँ जल्दी जाऊँ चाहे मैं वर्शिप में मिलूँ या नहीं मिलूँ फिर भी मुझे चर्च तो जाना ही है। वहाँ से मैं निकली तो फिर आगे आके मैंने हवा भरी अभी ऐसा लग रहा है जैसे टायर में पिंचर ही नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ चेतन ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि वो हमेशा यही चाहता कि जो आगे बढ़ते हैं उनको पीछे हटाने की कोशिश करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हम जब जो चीज़ें दिल और आत्मा से भर के करना चाहते हैं शैतान उसी समय उसी घड़ी हमको गिराने की कोशिश करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ फिर भी मैंने अपने विश्वास को बढ़ाया क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है क्योंकि ये चीज़ें शैतान हर समय हर घड़ी हमारे जीवन में लाता है कि हम चर्च में ना जाएं और कोई तरह से हमारे जीवन में रुकावट आए और हम वो जो समय और जो वचन हमें मिलता है उसे हम ना पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की आशीष मुझसे वो छीनना चाहता था फिर भी मेरे परमेश्वर ने मुझसे वो आशीष नहीं उसे छीनने दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मुझे वो लाया और मुझे यहाँ खड़ा किया और मैंने अपने जीवन में यही देखा कि अभी की बात मेरे जीवन में अभी हाल ही ये सब हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ फिर भी मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि परमेश्वर की दया और उसकी करुणा मेरे साथ है इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मुझे सही सलामत लेके आया मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ सबको जय मसीह की। तो सुबह उठने का मन नहीं करता अधिकतर ऐसा मन करता है बिस्तर में ही रहे और नहाना धोना तो होता ही नहीं है घर लेकिन फिर भी विश्राम दिन के दिन जो हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें प्रभु का वचन बताता है यशया है 51 का है 13 है इस वचन को मैं पढ़ूंगी। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी न करे इच्छा पूरी न करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने यदि तू उसका स्मरण करे करके उस दिन अपने मार्गों पर न चले और अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जब पिछले संडे हम लोग निकलने वाले थे घर से एंजल के पापा नहीं आए हुए थे मंथ क्लोजिंग थी तो दोनों थे हम एंजल और मैं थी तो मैंने बोला मैंने कहा बेटा उठो उसको मैं जगा रही थी तो उसने बोला अरे मम्मी सोने दो ना तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं करना वचन में लिखा है विश्राम दिन को अपनी इच्छा पूरी ना करना करके तो इस तरीके से जब मैंने उसको कहा तो वो तुरंत उठी और मैंने ये वचन उसी टाइम मेरे हाथ में मतलब मेरे आंखों के सामने आया ये वचन और मैंने ये पढ़ के उसको सुनाया
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक सप्ताह पहले यही वचन देकर प्रभु ने हमारी अगुवाई करी। चाहे हमें नींद आए, चाहे हमें कुछ भी आए, लेकिन हम वचन का पालन करना है, छोटी छोटी बातों में हमें नहीं चूकना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अगले ही संडे ऐसा हुआ कि जब हम इसके पहले जो संडे था, ऐसा हुआ कि किसी ने हमें सुबह ही संडे को मैसेज भेजा, और जो अन्य लोग होते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, तो किसी ने ऐसे ही वो जो मोबाइल में भेजते हैं वो भेजा, तो एंजल ने बोला मम्मी देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा क्या लिखा हुआ, पढ़ के सुनाओ। तो बोले देखो मम्मी इसमें लिखा हुआ है कि कल संडे नींद आती है लेकिन सोना नहीं, कल संडे है उठना नहीं। मैंने कहा बेटा ये तो पूरा ही विपरीत हो गया अपने लोगों के लिए, तो पूरा ही विपरीत हो गया। मैंने कहा अपने तो विशेष करके संडे को ही हमें चौकस रहना है ना, क्योंकि वचन हमें ऐसी शिक्षा देता है, ऐसा नहीं। तो मैंने उस दिन भी उसकी अगुवाई करी, नींद की एक और झपकी, एक और थोड़ा हाथ पे हाथ रख के सोना तेरा कंगालपन। तो बोलती फट से उठी, वचन से जैसे ही समझाए फट से उठी और तैयार हुई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर जो हम पिछले संडे दोनों अकेले थे और मुझे इतने रास्ते मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु ने, मैं स्टेशन गई थी और दोनों मेरे को और बेटी को, दोनों को चर्च पहुँचने के लिए हम छोटी गाड़ी से अपनी गए थे और सही सलामत प्रभु लेकर गए, अपने वचन में रखा, अनुग्रह के साथ रखा। और पिछले संडे भी कई लोगों को वचन सुनाने का, वचन देने का प्रभु ने अवसर दिया था, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं भी अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे और मेरे परिवार को अलग अलग स्थानों में बच्चों को हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक परिवार को परमेश्वर ने संभाला और अद्भुत रीति से हर एक की अगुवाई करी, क्योंकि वो हर एक को देखता है, जांचता है और हर एक की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो उसकी ये सनातन भुजाएं हम जिस पृथ्वी का ग्रह धाम है, कोई उससे दूर नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने पंखों की छाव में उसने मुझे संभाला। मैं धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मैं कई गवाहियों के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ कि अंकल हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि कोई नया आता है तो हम उसका वेलकम करें, परंतु धन्यवाद करते हैं हमारे सैम सर इस चीज़ को हमेशा अपने भवन में करते हैं, परमेश्वर के भवन में। और मैं बहन शानू का धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर शानू का। ये मेरे घर एक दिन आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, और मैंने इनको बोला कि सिस्टर आप भवन जरूर आइए। मैं धन्यवाद करती हूँ बड़ी ऑफिडेंसी के साथ, ये सिस्टर उस दिन से कंटिन्यू आ रही है। और हम सब की भी जिम्मेदारी है कि कोई भी हमारे भवन में, परमेश्वर के भवन में आए तो हम सब उसका वार्म वेलकम करने वाले हों, गर्म जोशी से उसका वेलकम करने वाले हों, ताकि आने वाला भी प्रभु में आनंदित हो जैसे हम है। मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर का और धन्यवाद करती एक और परिवार का आज हमारे मध्य में है, पहले आ चुकी है वो सिस्टर, उनके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर उमेश के लिए, उमेश साहू, जो पिछले दिनों हमारी उनसे बात हुई ड्यूटी पर ही, तो उन्होंने मुझसे बोला कि दीदी मुझे आपसे बात करनी है, और उन्होंने कुछ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी कि उनकी सिस्टर इन लॉ के जीवन में कुछ परेशानियां हैं, तो वो आपके घर आना चाहती हैं। और उन्होंने आगे होकर ही कहा ये सब परमेश्वर की दया है जो अपने लोगों को सीधे मार्गों में अगुवाई करता बढ़ाता, शायद हमारी पहुंच उन तक नहीं हो पाती है, परंतु परमेश्वर का आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो हम सबका सच्चा सहायक है, उसका आत्मा कहता है कि मैं खेदित मन वालों को चंगा करता हूँ। आप क्यों हमारी पहुंच उन तक नहीं होती है, परंतु स्वयं परमेश्वर का आत्मा कहता जा है, जा उस जगह पे जा जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कहा कि वो आपके घर आना चाहती हैं, क्या मैं दीदी उनको आपके घर ले आऊँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने जीवित परमेश्वर का कि हम कुछ भी नहीं है, कीड़े सरीखे मनुष्य, और हमारे जीवन में कोई भी खूबी नहीं है, परंतु जब परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा हम बात करते हैं, जैसे परमेश्वर के दास अजीज विलियम ने कहा कि जब जब उन्होंने परमेश्वर के वचन में से शेयर किया, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को वहां महसूस किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ, महसूस कराया, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो सिस्टर हमारे घर आई। अंकल ने भी प्रार्थना करी और हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी, और परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में, उनके परिवार में काम हुआ,
और वो अपने पति के लिए चिंतित थी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो कितने दुख देने वाले थे, कुछ समय पहले बहुत अच्छे थे पर बाद में उनके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ आई, परंतु उस कारण वो परिवार बिखर गया था। परंतु जैसे परमेश्वर की शरण में आई, इसलिए आना चाहती थी कि वो परिवार जो एक परमेश्वर ने बनाया था टूट गया, वो फिर से जुड़ जाए। धन्यवाद करते हैं कि जब वो आई और प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उस चीज का उन्हें उत्तर दिया और आज वो परमेश्वर के भवन में पूरा परिवार। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी सास के लिए जिनके गले में प्रॉब्लम थी और वो गले की प्रॉब्लम में भी परमेश्वर ने चंगाई दी। और ये सब सुनकर मैं नहीं जानती कि आज उनकी देवरानी है या नहीं है, परंतु जब उन्होंने सुना कि आज दीदी बहुत खुश हैं, आनंदित हैं उनकी ननन, तो उन्होंने कहा ऐसा कौन प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसा कौन परमेश्वर है जो दीदी को इतनी खुशी दे दी। मैं धन्यवाद करती हूँ, उसका नाम यीशु है। ये पूरा विश्व जाने, संसार जाने, जगत जाने, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं जगत के छोर तक अपने वचनों को लेकर जाऊंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसी धन्यवाद के रूप में आज पूरा परिवार हमारे मध्य में है और हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम में उनसे मिले और उनको आशीष दे और उन्हें धन्यवादित करें कि सच में हम आशीषित लोग हैं। इसलिए हमारा प्रभु कहता मत डर, इधर उधर मत ताक। मैं उसकी महिमा में एक आयत पढ़ना चाहूंगी, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 चैप्टर 41 अध्याय उसकी 8 आयत से देखेंगे हम 15 आयत तक। वहां इस प्रकार लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया है और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा है तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तजानी, प्रेज द लॉर्ड। हम चाहे अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने तुझे पृथ्वी के दूर स्थानों में, तू गढ़े में भी पड़ा होगा, मेरी नजर वहां तक है और मैंने तुझे खींच कर निकाल लिया, तुझे छोड़ नहीं दिया। जब तेरी इच्छा मेरी इच्छा से मिल जाएगी मैं तुझे खींच कर निकालूंगा, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है मत डर, 10वीं आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का परमेश्वर क्या कह रहा, मत डर, कोई तेरे साथ हो न हो मैं तेरे संग हूँ। ये हमारे जीवित परमेश्वर का वायदा है, जहां से तू मुझे पुकारेगा मैं सुन लूंगा। जैसे पास्टर अजीत ने कहा कि मैंने अपने घर में प्रार्थना करी और परमेश्वर की उपस्थिति जो बीमारी की अवस्था में थी वहां तक पहुंच गई। मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा, मैं तुझे डगमगाऊंगा नहीं इंसानों की तरह, कभी हूँ कभी हूँ कभी हूँ, मैं तुझे स्थिर करूंगा, दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। जिस चीज की तुझे प्रॉब्लम है, चाहे बीमारी की हो, पैसे की हो, गरीबी की हो, मूर्ख हो, मैं तुम्हें बुद्धिमान बना दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आगे कह रहा है, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह क्या कर दिए जाएंगे, काले कर दिए जाएंगे, नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो आज हमारे लिए बातें बनाते हैं लोग, परमेश्वर कह रहा उनका नामो निशान नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं, तो दारू पीने वाला है, अरे तो गाली बकने वाला है, अरे तो ऐसा है, आज वो हमारे जीवन को ऐसा बदलने वाला परमेश्वर। जो तुझे लड़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो झगड़ झगड़ के दादागिरी करके हमारे सामने आ रहे हैं, ये भी गवाही है पर लंबी हो जाएगी, मैं दे नहीं सकती, इसी हफ्ते की सिस्टर उमेश की है, परंतु वो कह रहे हैं जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए वो यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है। आगे लिखा है, क्योंकि
इसलिए होगा, ये सारे काम किस लिए होंगे, आगे कह रहा, इसलिए क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर, प्रेज द लॉर्ड, जैसे हम अपने बच्चों का दाहिना हाथ पकड़ के कहते चलो बेटा चर्च चलना है, उसका हाथ रास्ते में कहीं नहीं छोड़ते, वैसे ही परमेश्वर कह रहा कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर क्या कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की नजर में आगे लिखा, कीड़े शरीर के याकूब, हे इज़राइल के मनुष्य मत करो, दुनिया की नजर में हम एक कीड़ा है, रास्ते चलते अगर चींटी हमारे पांव में आ जाएगी तो मर जाएगी, परंतु परमेश्वर कह रहा दुनिया की नजर में हो पर मेरी नजर में तुम कैसे हो, प्रतिष्ठित हो, मेरी नजर में चुने हुए हो, अभी हमने पढ़ा कि चुना हुआ हो। और आगे लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। ये सब किस कारण होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत से अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न वरन अनंत जीवन पाए। और इसकी 15वीं आयत बहुत ही सुंदर है, लिखा है, देख मैंने तुझे कैसा बनाया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया, प्रेज द लॉर्ड, नया कर दिया मैंने तुझे, नया और चोखा यंत्र ठहराया है। परमेश्वर कह रहा मैंने तुझे कैसा कर दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा, छुरी जो तेज धार वाली होती है तू शत्रुओं को क्या कर देगा, काट डालेगा, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा मैंने तुझे, देख मैंने तुझे दावने वाला एक नया और चौथा यंत्र बनाया है। कब, ये मसीह यीशु में, जब हम नया जीवन पाते हैं, नए जीवन के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब वो कह रहा मैंने तुझे एक चोखा यंत्र बनाया है। इसलिए मैं एक और परमेश्वर की महिमा में गाना चाहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बाप ने किया जिससे खुश है मेरी जान, उसने उल्फत से फरमाया मैं हूँ तेरा निगेबान, निगेबान मैं हूँ तेरा निगेबान, जब तक सफर तू करेगा मैं हूँ तेरा निगेबान, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। क्या जब तक तुम इस संसार में हो मैं तुम्हारी अगुवाई करने वाला हूँ। और कोई लता, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी का। मेरे जीवन में कम से कम 10 साल से बहुत परेशानी आ रही थी, कम से कम इतनी परेशानी आ चुकी थी कि मैं अपने आप से संघर्ष करते करते थक चुकी थी। एक दिन ऐसा आया कि प्रभु यीशु सपने में आके मुझसे बोले, मतलब वो ही दिखे जो मुझे कुछ कर सकते थे, आमीन, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर जो मेरी भाभी थी वो बहुत मानती प्रभु यीशु को, मैंने उससे बात करी, उन्होंने उनकी दीदी से बात करी और मेरे लिए जो रास्ता निकाला आज मेरे बहुत काम आ रहा है। मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे सारे दुख दूर हो जाए। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद अर्पित करता हूँ इन तमाम गवाहियों के लिए, और उसकी महिमा इन बातों के द्वारा होती है कि वो आज भी जीवित है, और वो लोगों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जीवित था, और आज भी हम सबके दुख दर्दों को समझता है क्योंकि उसने वो खुद दुख उठाया है। दूसरे के दुख को वो समझ सकता है जिसने खुद दुख सहा है, और
इससे बड़ा दुख प्रभु यीशु मसीह से बड़ा दुख शायद संसार में किसी ने नहीं उठाया। उसकी एक एक खून की बूंद उसने हम सब के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे पापों के गुनाहों की क्षमा के लिए और हमारी बीमारियों के लिए सबके लिए बहा दी, ताकि हम उस पर विश्वास करें, उसके बलिदान पर विश्वास करें और उसकी उस सामर्थ को अपने जीवन में पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी जय जयकार, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक ही नाम है जो इस योग्य है, जिसने स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया, हम सब के लिए अपने प्राणों को दे दिया, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके प्राणों पर दिए जाने के द्वारा हम चंगाई पाए, हम जीवित रहने पाए पिता परमेश्वर, और हमारी हरेक बीमारी तकलीफ परेशानी समस्या को आप समझते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम हरेक परिवार के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी, जिनके आपने पिछले दिनों सहायता मदद की, कई प्रकार की उनकी समस्याएं थी, उनके आने जाने में, उनकी बीमारियों में, उनके दुख दर्द में, उनकी कमी घटी में, उनकी परेशानी में, हर बात में प्रभु जी आपने उनको संभाला, उनको बल दिया, उनको निराशा में नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि पिता परमेश्वर कई लोगों के जीवन में इतनी निराशा बढ़ गई थी कि वो अपने आप को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन प्रभु जी आपने अपने वचन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा उनसे बात की, आज प्रभु जी वो आपके भवन में पाए जाते हैं, आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं। आगे की पूरी आराधना आपके सानिध्य में किया चाहते हैं, आए हुए हरेक जन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आप अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन से हरेक से बात करें, ताकि प्रभु जी हमारे नहीं वरन आपके नाम की महिमा होने पाए, सारा आदर इज्जत महिमा आपको मिले, हम घटे आप बढ़े हमारे जीवन में, ये विनती आपके बेटे हमारे पुत्र, आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आज काफी लोग नए हैं, शालिनी दो हफ्ते से आ रही है, आज उसकी सास सलोमी भी हमारे बीच में है, एक सलोनी तो हमारे यहाँ है, एक सलोमी हमारे बीच में है, और उमेश अक्सर आती है कभी कभी, और लता उसके पति भी आज बीच में है उसके परिवार बच्चों के साथ, तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, इन सबका स्वागत है आपके लिए, आपको भी आना चाहिए, और ये काम कलीसिया का है, इसे दिक्कत या पास्टर का नहीं है कि वो अनाउंस करके यहाँ से स्वागत करें, करते हैं बड़े लोग करते, लेकिन अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ये काम कलीसिया के लोगों का है कि वो लोगों का स्वागत करें, बिना बोले धक्का दिए जाके मिले कौन है क्या है बात करें, हाँ समझ में आ रही है बात, ये कलीसिया का काम है। पिछले हफ्ते हमने कुछ मनन किया था, पास्टर जॉनी ने कुछ विषय पर प्रकाश डाला था, याद है किसी को कहां से हमने देखा था, पिछले संडे सब नींद में थे या जागे हुए थे, जो जागा हुआ बताएगा पिछले संडे हमने किस बात का मनन किया था, क्या सीखा था, कोई भी चल, मेरे को लग रहा है बाकी लोग थे नहीं, मैं था अकेला चर्च में, अरे कहां से पढ़ा था, प्रेरितों के काम, सबसे महत्वपूर्ण विषय प्रेरितों के काम, जो कलीसियाओं का आधार है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, ये तो सबको मुझे बनी याद होना चाहिए, हाँ गवाहियों में तो बहुत दिखाई देता है प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के बातें, लेकिन मनन के टाइम पे फिर हम भूल जाते हैं कि वो विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि खतरनाक विषय है ना, क्या देखा था वहां, दो तरह के लोग दिखाई दिए थे, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय दूसरे पद से वहां पढ़ा गया था और 11वें 14वें पद तक देखा था, आज मैं उसी विषय को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाह रहा हूं, और क्योंकि इस बीच में डॉक्टर सैम का भी एक मैसेज मुझे उनके उसमें जो मनन में वो भेजते हैं मिला था, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसी विषय से बात करूंगा आप लोगों से। यहां हमने दो तरह के लोगों को देखा था, किस तरह के दो लोग देखे थे, क्या घटना चल रही है प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, हाँ पवित्र आत्मा का अवतरण होता है और वहां पर जो 120 लोग एक मन होकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में लवली ने, वहां पर एक अचंभे का काम होता है, और वो काम क्या था कि स्वर्ग से परमेश्वर का वो सहायक जो पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर का देने का वायदा था, जिसको जाते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि एक सहायक तुम्हारे लिए वो भेजे, और वो सहायक परमानेंटली पृथ्वी पर आ जाता है, और वो 120 लोग जो एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे क्या करने लगते हैं, अन्य भाषा, वहां अलग अलग देश के लोग अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग थे, लेकिन उन सबको उस पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा था, जो भाषा वो जानते नहीं थे, लेकिन उनको लग रहा था कि सामने वाला जो मेरी भाषा को नहीं जानता है लेकिन वो जो बोल रहा है वो मेरी भाषा में ही मेरे को सुनाई दे रहा है, ये एक पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा था। और दूसरे टाइप के लोग
जो जिन पर पवित्र आत्मा का कोई अभिषेक नहीं था, वो लोग क्या बोल रहे थे? अरे ये लोग तो, ये तो नशे में है, इन्होंने तो सुबह सुबह चढ़ा लिए। क्योंकि जिन लोगों को वो भाषा अपनी भाषा के रूप में सुनाई दे रही थी, उन सब पर पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का अनुग्रह था। लेकिन जिनको नहीं सुनाई दे रहा था उनको तो वो बकवास दिख रही थी, और वो लोग कह रहे थे अरे तो सुबह सुबह नशे में है। और यदि इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहां एक प्रॉब्लम है, हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में शब्दों के कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इंग्लिश के अंदर एक ही वर्ड होता है जिसके अलग अलग स्थान पर अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वर्ड शब्द एक ही होता है। लेकिन हिंदी में अलग अलग समय के लिए उस विषय के लिए अलग अलग शब्द दिए गए। यदि हम उसको गौर से देखेंगे तो हमको पता चलेगा। दूसरे अध्याय की दूसरे आयत में हम देखेंगे, पढ़े जरा, चौथा पद पढ़ ले, 2:4 सीधा, पवित्र आत्मा से भर गए, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहाँ भर गए शब्द लिखा हुआ है, और इंग्लिश में देखें तो वहां लिखा है फिल्ड, यहां भी उसका मीनिंग यही है। लेकिन अलग अलग स्थान पर वहां पर यहां भरा हुआ आ गया हिंदी में ना, लेकिन भरना एक अलग चीज होगी। किस प्रकार से भरेंगे? भरना क्या होता है बताओ? साइकिल में हवा भी भरते हैं ना, पवित्र आत्मा क्या उसी तरह भरी जाती है? गाड़ी में पेट्रोल भी भरा जाता है, हम अपने पेट में खाना भी भरते हैं, पवित्र आत्मा क्या वैसी चीज है इसको उस प्रकार से भरा जाता है? नहीं। मैं आपको भरने का एक मीनिंग का शब्द का अर्थ समझाना चाहता हूं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस विषय में गलतफहमी है कि उस चर्च में जाते हैं वहां लोग पवित्र हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, और शायद बाहर से निकलते खाली हो जाते हैं, हाँ, जैसे उनकी टंकी में छेद हो गया है। लेकिन वो भरना नहीं होता है। भरने का मतलब होता है आपके ऊपर उसका प्रभाव आ जाए, आप उसके नियंत्रण में आ जाए। समझ में आ रही है बात? किसी चीज के नियंत्रण में आ जाना वो भरना है। यहां पर वो सारे 120 लोग उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थे। वो अपनी भाषा जो जानते थे वो नहीं बोल रहे थे, जो भाषा उनको आती नहीं है वो भाषा बोल रहे थे। तो कौन बुलवा रहा था उनको? पवित्र आत्मा, जो उन पर पूरा नियंत्रण कर रहा था। इसके तो उदाहरण देखिए ना कि हम किस किस चीज में भर सकते हैं, तो बाइबल इस चीज को बताती है। मेरे साथ निकाल लें आप इसका दूसरा पद, तो चौथा पद हमने पढ़ लिया, 13वां पद भी इसको पढ़ लें, 2:13 को। परंतु दूसरों ने क्या कहा? परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा, हाँ, वे तो नई मदिरा के नशे में है। वो भी भरे हुए हैं किसी चीज में, लेकिन वो किसने भरे हुए? वो मदिरा के नशे में भरे हुए। वहां बाइबल लिखती है फुल ऑफ न्यू वाइन, वो नई मदिरा के नशे में भरे हुए, ये पवित्र आत्मा में भरे हुए है ना, ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसके सामर्थ्य का काम जो उनके जीवनों में हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं, और वो लोग उनको क्या सुनाई दे रहा है कि ये तो नशे में ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक लग रही है उनको बात, और वो लोग उसका मखौल उड़ा रहे हैं। क्योंकि वो किससे भरे हुए? नहीं, जो मजाक उड़ा रहे हैं वो किससे भरे हुए? वो मदिरा से भरे हुए, फुल ऑफ न्यू वाइन, वो उससे भरे हुए। और कुछ लोग क्रोध में भर जाते हैं, कुछ लोग डर में भर जाते हैं, कुछ लोग घमंड में भर जाते हैं, कुछ लोग और किसी चीज में भर जाते हैं। ये सब भरना है, और बाइबल इस विषय में बताती है। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 4:28 और उसका 28, 29, 30 पर, Luke 4:28-30। ये बातें सुनते ही, हाँ, जितने आराधनालय में थे, जितने लोग आराधनालय में थे, सब क्रोध से भर गए, सब क्रोध से भर गए। और क्या किया उन्होंने? क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। और यहां पर बाइबल में लिखा है फिल्ड विद रैथ, क्रोध से भर गए। ये भी भरे हैं किसी चीज से। इनका नियंत्रण किस पे इनका नियंत्रण आ गया? गुस्से का नियंत्रण। उनके शरीर पर जो नियंत्रण है किसका नियंत्रण है? क्रोध का, गुस्से का। और वो क्या कर रहे हैं? इसको यहां से भगाओ। जब हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंग किसी और चीज के नियंत्रण में आ जाते हैं तो फिर वही कार्य होता है हमारे जीवन में। समझ में आ रही है बात? वहां आत्मा का नियंत्रण है, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो रही है, उसकी बड़ाई हो रही है, उसकी सामर्थ्य के बातों का वर्णन हो रहा है, लेकिन दूसरों को कुछ और सुनाई दे रहा है क्योंकि वो दूसरी चीज के नशे से भरे हुए हैं। और यहाँ लोग क्रोध से भर गए, जो भलाई करने वाले, अच्छा काम करने वाले हैं,
उसको वहां से भगाना चाहते हैं, इसको हटा दो यहां से। सब भरे हुए किसी न किसी चीज से। कहने का मतलब, भरने का मतलब यह होता है कि हम पर उस चीज का नियंत्रण हो जाता है, हम उसकी अधीनता में आ जाते हैं, हम उसकी गुलामी में आ जाते हैं, जैसा वो चाहता है हमारे शरीर का, हमारी देह का इस्तेमाल करता है। समझ में आ रही बात? एक उदाहरण और देखेंगे हम, इसी का लूक चैप्टर 5 उसका वर्स 26, 5:26 हम देख लें। अभी मैं सिर्फ आपको भरने का मीनिंग समझा रहा हूँ कि भरना क्या है। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, डर कर कहने लगे। यहाँ पर किस चीज का नियंत्रण हो गया उनके शरीर पर? डर का। जब हम किसी चीज से डर जाते हैं तो फिर हमको कुछ भी सुझाई नहीं देता, सिर्फ डर, हर पास से डर लगता है। क्योंकि हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर, हमारे प्राण पर, हमारी सोच पर किसका नियंत्रण हो गया? डर का। वो उससे भर जाते हैं डर से। अलग अलग चीजें हैं जिनके जिसके द्वारा मनुष्य भर जाता है और उनके प्रभाव में जकड़ जाता है और फिर वो वही करता है जो वो चीज कराती है। डर से डरे हुए हैं तो फिर डर में आप कुछ भी कर सकते हो, क्रोध में भरे हुए हैं तो क्रोध में कुछ भी कर सकते हो, मदिरा में, नशे में किसी में भरे हुए हो तो कुछ भी कर सकते हो, घमंड में भरे हुए हो तो कुछ भी कर सकते हो, अज्ञानता में भरे हुए हो तो कुछ भी कर सकते हो। जिस चीज से आप भरे हुए हो वही चीज आप पर नियंत्रण कर लेती है। समझ में आ रही है बात? भरना उसे कहते हैं। और लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है ना वो एक अलग है। वो भरना और ये भरने में एक अंतर है। आत्मा ऐसी चीज है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य में डाली गई है, वो आत्मा किसी को दुख नहीं देती। ये फर्क बता रहा हूं आपको, डर में, क्रोध में और अन्य प्रकार से चीजों में भरने में और पवित्र आत्मा में भरने में डिफरेंस क्या है। पवित्र आत्मा में जब भरते हैं तो वो लोगों की भलाई सोचती है, लोगों की अच्छाई सोचती है, लोगों के सुख दुख में शरीक होने की बात सोचती है, किसी की मदद करने के बारे में सोचती है। ये सब पवित्र आत्मा के भरने के लक्षण हैं। खाली अन्य भाषा बोलने से वहां काम नहीं होता। उन 120 लोगों की यदि हिस्ट्री हम पढ़े जो वहां पर 35 दिन एकत्रित थे तो बाद में पता चलेगा आज जो मसीहत पूरी दुनिया में फैली हुई है वो इन 120 लोगों के द्वारा है। पेंटिकॉस्ट चर्च बहुत सारे बन गए, लेकिन क्या वहां इस प्रकार के लोग भर रहे हैं आत्मा में? वो भरकर सिर्फ अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और गवाही में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन यदि हम इसी के बातों में आगे जाके देखेंगे ना तो हमको पता चलेगा कि ये सब क्या है। लेकिन शराब या और प्रकार का भरना जो है ना वो लोगों को दुख पहुंचाता है, या क्रोध के द्वारा भी किसी को दुख पहुंचता है, घमंड के द्वारा भी किसी को दुख पहुंचता है। ये अंतर है। वो सारे नशे जो दूसरे प्रकार के हैं, घमंड या क्रोध या और मदिरा, नशा किसी प्रकार का, इन सब से थोड़ी देर की खुशी तो मिलती है आपको, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वो थोड़ी देर मिलती है, उसके बाद फिर खो जाती है, फिर आपको करना पड़ता है उस नशे को, फिर मिलती है, फिर खो जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन में एक बार उसका नशा आपके जीवन में आ गया ना तो वो एक बहुत गहराई तक आनंद देता है। मैं उमेश से कई बार बात करता था, उमेश मेरे से बात करती थी, सर मेरे से बाइबल छीन ली, मेरे से हटा ली, बाइबल छीन ली ना, लेकिन बाइबल को पढ़ने से, प्रभु को जानने से जो तुझे शांति मिली है अंदर, एक तसल्ली मिली है, वो कोई छीन सकता है तेरे से? बोला नहीं, तो कोई नहीं छीन सकता। उसको पकड़ के रख बस, बाइबल छिन गई ना, छिन जाएगी, मेरी भी छिन जाएगी किसी दिन। लेकिन जो वचन हमारे अंदर चले गए, उन वचनों के द्वारा जो विश्वास, जो सामर्थ्य हमारे जीवन में आ गई है, जो शांति हमारे जीवन में आ गई है, मेरा पति पी के भी आता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन मुझे अब तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं इस बात को सीख गई हूँ कि मुझ पर तो दया हो गई है परमेश्वर की, अभी उसका समय नहीं आया है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है, मेरा पत्नी धर्म उसके साथ निभाना है। एक दिन तो आएगा जब वो मेरे इस बलिदान को समझेगा। यह है पवित्र आत्मा का काम। ये फर्क है भरने का। लेकिन परमेश्वर के वचन हमको बताता है, गलतियों 5:22-23 हम पढ़े तो आत्मा क्या कहती है, गैलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद। हाँ, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और मेन चीज नम्रता और संयम। जिसके आगे बढ़ो, पूरा करो उसको,
ऐसे ऐसे कामों के क्रोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आमीन। ये फर्क है भरने में। यदि आप अन्य भाषा भर रहे हैं या कुछ और पवित्र आत्मा की बात को कर रहे हैं लेकिन ये फल आपके जीवन में दिखाई नहीं देते ना, तो समझ जाइएगा आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि मैं आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता, मैं माइंड रीडर नहीं हूं, लेकिन सांसारिक दृष्टि से देखो तो फूड इंस्पेक्टर तो हूं, फलों की को तो जांच कर सकता हूं इसमें नकली है असली है ना। वहां भी धरे 120 लोगों के अलावा फूड इंस्पेक्टर, अरे ये तो नशे में है ना। आप और हम भी फूड इंस्पेक्टर बन जाते हैं, माइंड रीडर नहीं बनते, बन जाते हैं ना फूड इंस्पेक्टर, अरे ये तो यूं ही है सब। क्योंकि वचन भी बताता है कि फलों की, पेड़ों की पहचान किससे होती है? फल से। क्यों भाई? फिर हमारी पहचान किससे होगी? हमारी पहचान भी तो फलों से होगी ना। हाँ, कि आत्मा के फल है कि नहीं, हमारी गवाहियों में, हमारी बातों में, हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे चाल में, हमारे चलन में। यदि वो दिखाई नहीं दे रहे तो अन्य जाति के लोग या दूसरे लोग या हमारी जाति के लोग भी, हमारे विश्वासी लोग भी पहचान कर लेंगे ये कौन सा पेड़ है। समझ में आ रही बात? और आत्मा के फल ये, लेकिन परमेश्वर वो चाहता है कि हम सब आत्मा में परिपूर्ण हो जाए। इफिसियों 5:18 क्या कहता है? दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। ये आर्टिफिशियल नशा है जो थोड़ी देर का है, क्षणिक देर का है, थोड़ी देर में आपको आराम देता है, थोड़ी देर के लिए सुख देता है, थोड़ी देर के लिए आनंद देता है, लेकिन जब वो उतर जाता है तो उस समय किए हुए काम कई लोगों के जीवन में इतनी तकलीफ भर देते हैं, इतना दुख भर देते हैं, इतनी समस्याएं भर देते हैं, उनके जीवन में पैसे की कमी आ जाती है, उनके शरीर को नाश हो जाता है, उनका शरीर कमजोर हो जाता है और उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, कई प्रकार की बातें होती है। इस सिर्फ थोड़े से आनंद के लिए, क्योंकि वहां लिखा है वचन में, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता, कि उसके द्वारा क्या होता है? लुचपन होता है। और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कौन सी आत्मा? जिसके फल हमने भी देखे, प्रेम, आनंद, भलाई, कृपा, धीरज, संयम, नम्रता, ये आत्मा के फल है। इससे कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी। आपके अंदर प्रेम है तो आप दूसरे इंसान से भी प्रेम करोगे, तो प्रेम के द्वारा प्रेम तो उपजेगा ना, भलाई तो होगी ना, भलाई के द्वारा भलाई होगी, कृपा के द्वारा कृपा होगी, किसी को तकलीफ थोड़ी होगी। लेकिन दूसरे प्रकार के जो भरने हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसके नियंत्रण में हम चले जाते हैं, वो तकलीफ देने वाले काम करते हैं। हमारे परिवारजनों को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे समाज वालों को, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, मतलब वो एक परेशानी का सबब है। ये फर्क है परमेश्वर और अंधकार की शक्तियों में भरने। और दूसरी बात हम देखें इसको वचन से, इस प्रकार से देखें तो सबसे पहले जहां फल लगेंगे, किसमें लगेंगे फल? पेड़। पेड़ में। पेड़ को उगाने के लिए क्या करना पड़ता है? बीज। सबसे पहली जो चीज है वो बीज, सीड। और वो बीज आपके जीवन में हो सकता है वचन। आमीन। बाइबल इस बात को बोलती है, यदि आपके जीवन में ये वचन का बीज बो दिया गया तो फिर क्या होगा? बीज को पनपने के लिए क्या चाहिए? हाँ, पानी चाहिए, जल चाहिए। जल बताता है बपतिस्मा, शुद्धिकरण, धुलाई आपके जीवन की, उस बीज की धुलाई, आज्ञा के द्वारा आपके अंदर वो पानी के द्वारा वो सब निकल जाए, वो कठोरता जो होती है बीज की वो नम्र हो जाए, नर्म हो जाए, गल जाए वो, तब उसके अंदर का जो जीवन है ना वो बाहर निकलेगा। आमीन। यस लॉर्ड। बपतिस्मा बताता है आप आज्ञाओं की ओर जा रहे हो। और तीसरी चीज, जब जल मिल जाता है तब उस अंकुर में से एक जड़ निकलती है। फल ऐसे ही नहीं आ जाता है भाई। हमने अभी सीखा भरना क्या है, उसका अंतर देखा। अब हम देखें फल किस स्टेज तक आने के लिए हमारे जीवन में क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बीज जो वचन है, उसके बाद बपतिस्मा जो जल है, जो शुद्धिकरण है, हमारे विचारों का, हमारी आत्मा का, हमारी आदतों का, हर बात का शुद्धिकरण जल के द्वारा होता है, बाइबल बताती है। और बपतिस्मा इस बात को बताता है कि हम अपने उस पुराने जीवन को छोड़कर अब एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं में बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उसमें से एक जड़ निकलती है जो ऊपर दिखाई देती है थोड़ी सी, और थोड़ी सी नीचे दिखाई देती है। नीचे वाली जड़ होती है और ऊपर वाला अंकुर होता है ना, वो क्या है? वो है पवित्र आत्मा, जिसका अवतरण होता है।
आपके जीवन में वो एक जड़ फूट जाती है जो अब उन बुराइयों की ओर भरना नहीं चाहती है, वरन भलाइयों की ओर भरना चाहती है। उसके बाद आता है भोजन और पोषण। उस अंकुर को भोजन और पोषण चाहिए ना, तभी तो बढ़ेगा वो। हाँ, नहीं डालोगे, कुछ नहीं दोगे खुराक उसको, तो कैसे बढ़ेगा? पौधा बढ़ेगा क्या? वो तो मुरझा जाएगा। उसको धूप लग गई ज्यादा, उसको आपने शेड नहीं दिया, छाया नहीं दी, उसको समय पे पानी नहीं दिया, उसकी गुड़ाई निराई नहीं की, खाद नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो वो सब खत्म हो जाएगा। और वो पोषण और भोजन क्या है? जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, उनको बांधने के प्रयास करोगे, आपका बढ़ता चला जाएगा वो अंक, वो बड़ा हो जाएगा। और वचन बताता है यूहन्ना 15 के अंदर, सच्ची दाखलता जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्ची दाखलता है। और वो कहता है जो डालियां मुझमें बनी रहती है वो फलती और फूलती है, वो फल और फूलने की स्थिति में आ जाती है। लेकिन शर्त क्या है? बने रहे, जो उसमें बनी रहे। क्योंकि पेड़ से डाली कटके अलग जीवित नहीं रह सकती है भैया। एक परिवार का एक जन अलग रह करके, हिस्सा अलग होकर के वो परिवार नहीं रह सकता, वो परिवार बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी पेड़ है, हमारा दाखलता है, वो अंगूर की बेल है और हम उसकी डालियां हैं। समय समय पर वो हमें काटता छाटता भी है, है ना? किस लिए? ताकि हम और ज्यादा फूटे, और ज्यादा उसमें से डालियां फूटे, फिर उसके अंदर फूल लगे, फिर फल लगे। और फिर जो वचन उस प्रकार से हमारे जीवन में चलता रहता है तब जाकर के फल आता है, है ना? और फल आने के बाद क्या होगा? जो हमने आत्मा के फल पढ़े हैं, पेड़ों की पहचान फलों से होती है, हमारी पहचान भी फलों से होगी। और दूसरी बात, वापस पैंते उसके दिन में आ जाओ, आप लोग प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में आ जाओ, इसका 2:17। जब लोग कह रहे हैं कि ये तो नशे में है, और पतरस उसको कैसे डिफेंड कर रहा है, क्या कह रहा है? 2:17-16 से पढ़ लो। परंतु ये वह बात है जब लोगों ने कहा ना तो नशे में है, और परमेश्वर का दास अब क्या कह रहा है खड़े होकर के, कि भैया अभी इन्होंने पी नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है, और जैसा उन्होंने कहा क्या है? जो योएल भविष्यवक्ता ने क्या कही गई, योएल भविष्यवक्ता ने कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य में उंडेल दूंगा। आमीन। उसने आत्मा उंडेल दिया है, हम सबके जीवन में वचन का बीज आ चुका है, मेरे और आपके जीवन में। उसको जल और बपतिस्मे के द्वारा, उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा कुछ शुद्धिकरण भी हमारे जीवन में हो चुका है। लेकिन हमारा वो पौधा अब ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, और ज्यादा बड़ा हो भी गया है तो हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन कटा हुआ है परमेश्वर से, उसकी आज्ञाओं से, उसकी बातों से। इस कारण हमारे अंदर दूसरे प्रकार के फल दिखाई दे रहे, वो फल दिखाई नहीं दे रहे जो आत्मा के द्वारा दिख रहा है। क्योंकि ये तो परमेश्वर की भविष्यवाणी है पहले से ही, पुराने नियम में योएल भविष्यवक्ता के समय, कि अंत के दिनों में क्या करूंगा मैं, सब प्राणियों पर, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी उसको मानने वाला हो, उन सब पर मैं अपना आत्मा उड़े लूंगा, और क्या करूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। ये फल नहीं है, ये वरदान है। फल के बाद वरदान आता है। पहले वरदान पाने के लिए पहले फलों की आवश्यकता है। जब हम फलों से लदेंगे ना, उन फलों को देखकर और लंबे समय तक उन फलों के द्वारा सेवा कार्य को देखकर परमेश्वर हम पर अनुग्रह करके वरदान देता है। और क्या क्या वरदान होते हैं वो सब हम जानते हैं, यहाँ लिखे हुए भी हैं कुछ। हाँ, फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटी अब क्या करेंगी, हाँ, यानी कि आने वाली बातों के बारे में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग बता देंगे दूसरे के लिए, फलाने के घर में ऐसा होने वाला है, ये भविष्यवाणी का वरदान। लेकिन ये कब होगा? जब आत्मा के फल हमारे जीवन में होंगे। हाँ, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, स्वप्न के अंदर आने वाली बातों का रहस्य समझेंगे, या जो घटनाएं घट रही उनका रहस्य समझेंगे, ये सब भविष्यवाणियां हैं। लेकिन ये कब होगा? हाँ, आगे, और तुम्हारे पुरानी यानी बुजुर्ग लोग जो है वो भी स्वप्न के द्वारा कई बातों का रहस्य समझेंगे, या बाइबल के अंदर जो रहस्य छुपे हुए उनको समझेंगे। हाँ, वरन में अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से, यानी गुलाम, पुराने समय में गुलाम हुआ करते थे लोग,
एक घर के अंदर बहुत सारे नौकर होते थे, वो गुलाम होते थे, उनको खरीदा बेचा जाता था और वो जीवन भर उनकी सेवा करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं गुलाम और मालिक में कोई अंतर नहीं करता, मैं तो उदार हूं, मैं सबको दूंगा। गरीब हो, अमीर हो, नीची जात का हो, ऊंची जात का हो, मेरी दृष्टि में सब समान है। यदि वो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, मेरे वचन के अनुसार चलते हैं, तो मेरी दृष्टि में वो समानते हैं। ये समानता हमने पिछले हफ्ते मनन में पास्टर जोनी के द्वारा सीखा था ये सारी बात। लेकिन वहां शर्त यही है, क्योंकि परमेश्वर की नजर तो समान है, लेकिन हम अपनी दृष्टि में एक दूसरे को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मोटा पतला, धनवान कंगाल, गरीब अनपढ़ गवान, ये बातें हमारे जीवन में होती है। हमारी नजर समानता नहीं है, हमारी नजर में समानता नहीं है। लेकिन जब तक समानता नहीं आएगी, उसका कारण यही है कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है। पवित्र आत्मा का नियंत्रण होगा, हमें कोई छोटा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई काला, कोई गोरा दिखेगा ही नहीं, सब समान दिखाई देंगे। यही है पवित्र आत्मा का काम, यही उसका उत्तरण। और उन दिनों में अपने ये भविष्यवाणी पत्रस भी वहां कोट कर रहा है, योएल भविष्यवक्ता होगी, और ये भविष्यवाणी करेंगे, हाँ, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, हाँ, नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लघु और आग और धुएं का। ये सारी बातें आप सब जानते हैं जो वचन के पढ़ने वाले, लेकिन हमारा जो विषय है वो ये है, हम भरे हुए किससे हैं, हमारे शरीर पर, हमारे देह के अंगों पर किसका नियंत्रण है, हमारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार है या सिर्फ थोड़ी देर गवाही सुनकर हमें जोश आता है, पवित्र आत्मा में भर जाते हैं और हम लंबा चौड़ा भाषण दे डालते हैं और थोड़ी देर बाद वो सब गायब हो जाता है, फिर हम अपने असली फलों को दिखाने लगते हैं। फर्क ये है, विषय ये है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, उसके फलों से लग जाए, और ताकि उन फलों के द्वारा उसके बाद वो वरदान जिसके द्वारा हम समाज की, देश की सेवा कर सकते हैं और पूरी एक सार्वभौमिक कलीसिया बना सकते हैं और प्रभु की बाट जोने का जो दावा कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो तभी होगा। यदि आपका बीज ही वचन के अनुसार नहीं है, आपकी जड़ी उसके अनुसार नहीं फूटी है और पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, प्रभु यीशु मसीह में दाखलता में डाली भरे हुए ही नहीं है, फल की गारंटी नहीं, फल नहीं आएगा। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है कि जो डालियां उससे कटकर अलग हो गई है, जिनके जो फलती नहीं है उनका क्या किया जाना है, उनको वो जलाने के सिवा किसी और काम नहीं आती है। एक दिन आप और हम भी जलाए जाएंगे। मसीह लोगों को घर गाड़ा जाता है, लेकिन जल तो जाएंगे ना, हम भी नाश तो हो जाएंगे, गाड़े जाएंगे तब भी राख बनेंगे, मिट्टी बनेंगे, लकड़ी में जलाए जाएंगे तो भी राख बनेंगे। बनना राख मिट्टी ही है, क्योंकि उसका अंत वही है, जो परमेश्वर से अलग हो गए उनका नाश होना अवश्य है। अभी कुछ दिनों बाद उपवासकालीन प्रार्थना आने वाली है, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय यदि आप निकालो ना, फिर से 1:14 पढ़ लो। तो जब योएल 2 को हमने पढ़ा था ना, आगे उसकी भविष्यवाणियों के बारे में, उसके पहले का विषय क्या था वो देख लो। यदि आप चाहते हैं कि आत्मा के फल आपके जीवन में पाए जाए, तो एक बार फिर से उपवास प्रार्थना की ओर चले जाएं। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार, महासभा का प्रचार करो, पुण्यों को, हाँ, वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो, उसकी दुहाई दो, गवाही भी दो लेकिन दुहाई दो, प्रभु की दुहाई दो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जी से कि वो वचन के लिए प्रार्थना करें, फिर आगे की आराधना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अति करुणामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे संग है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन परमेश्वर हमारे पास प्रभु आपके आत्मा के द्वारा आया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन को सुन के प्रभु अपने मन में स्थिर करने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ हमारे को दीजिए, और प्रभु जैसा परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपने हमसे बातें करी प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुने गए वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन उनको आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन के द्वारा प्रभु यहाँ बैठे हुए प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर का कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
वचन परमेश्वर पिता हर बंधन को तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन के द्वारा प्रभु तेरी कलीसिया शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे लोग छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सच्चे प्रभु जी इस वचन के द्वारा एक बहुतायत की आशीष, एक भारी परिवर्तन, एक परमेश्वर पिता नई बातों का संचार, एक नई बातों का अनुग्रह प्रभु तेरे लोगों में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। ये सच्चे प्रभु जी ये वचन परमेश्वर पिता जीवित है, परमेश्वर पिता ये वचन जीवित है पिता, और परमेश्वर ये धरती और आकाश पलट जाएं लेकिन ये वचन नहीं पलटेंगे पिता। और जो तेरे दास के द्वारा प्रभु तूने हमसे बातें करी, इन वचनों के द्वारा प्रभु जो हमारे कानों में गए, हमारे हृदय में बैठे, हमारे आत्मा में कार्य करे, हमारे शरीर पर परमेश्वर पिता तेरे वचन और तेरे आत्मा का नियंत्रण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करें, अनुग्रह करें, कृपा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास के द्वारा जो आपने हमसे बातें करी, और प्रभु कलीसिया में प्रभु वास्तव में जितने लोग प्रभु अभी जल के परमेश्वर पिता 32 में से दूर हैं, उनको परमेश्वर पिता तू अपनी आत्मा से बातें कर, वचन से बातें कर, तेरे दास जो सिखाते हैं उसको सीख कर प्रभु उसके अनुसार करने के लिए प्रभु को इनका हियाव दे, हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि पिता एक और विश्वास का कदम बढ़ा के तेरे नाम को प्रभु ते अपने जीवन में स्थापित करने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु पिता तेरी आज्ञा कारण के, तेरी आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु बहुतायत की आशीष परमेश्वर इनके जीवन में आती चली जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हे सच्चे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन बोलता है वो तो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो करेगा वो सफल होगा। हालेलुया, तेरी आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु सफलताएं हमारे जीवन में आएंगी, हम विश्वास करते हैं प्रभु। सुने गए वचन जो हमारे पास प्रभु आपके दास के द्वारा आपकी आत्मा के द्वारा हम तक आए प्रभु, उसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके हर एक परमेश्वर बातों को मानने और उसके अनुसार करने के लिए आप हमारे को मदद सहायता अनुग्रह करें, प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं। विश्वास की प्रार्थना मसीह यीशु के नाम मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।
अब वो आग है पवित्र आत्मा की आग, जो हमारे जीवन की हर कमी घटी को, हर बुराई को, हमारी सोच को, विचार को, सबको बदल देती है। आइए प्रार्थना जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु जी आज की संगति के लिए, जो आपकी आत्मा की सामर्थ्य हम सब करने पाए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, नित प्रतिदिन हम अंश अंश करके बदलते जाए, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी बातें, सब कुछ प्रभु जी आपके वचन के अनुसार बदल जाए। हम दिए भी भेंट के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, जो लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई में से आपके भंडार में दिए प्रभु जी, उनको आप आशीषित करें। और जैसे प्रभु जी वो धन को देते हैं, अपने तन और अपने मन को भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसके लिए खर्च कर दें, उसकी सेवा के लिए सौंप दें, अपना परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, आपकी सुरक्षा सहायता हम से प्रत्येक को मिले, और जब तक हम दोबारा ना मिलते आपका प्रेम, आपका वचन और आपकी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य करें। सारा आदर जो महिमा आपको देते हुए, प्रार्थना के हर एक विषय को आपके संग रखते हुए, आपका हाँ और आमीन के द्वारा उत्तर चाहते हुए, ये विनती आपके बेटे और हमारे मुंजी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनी और ग्रहण कीजिए पिता। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ और संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ और विशेषकर नए आए हुए विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। और अगले शुक्रवार की आराधना यहाँ होगी, सेकंड फ्राइडे हाँ हाँ, तो उसकी आराधना होगी यहाँ पर 6 बजे। सब लोग समय पर आ जाएं। और बहुत दिनों से हम लोगों ने साथ बैठ के भोजन नहीं किया ना, सब अपने अपने घर से कुछ कुछ बना के ले आए, हम सब ये मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है? जिसको जो प्रभु अगुवाई करे बना कर आ जाए, लेके आ जाए, 6 बजे समय पर आ जाए। गाड़ी वाड़ी का पंचर पहले से स्पेयर में टायर वर्क सब रेडी कर लेना है ना सब लोग, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम आए गाएं और खाएं। हमें जागृत रहना है आत्मा में, समझ में आ रही है बात? सोए हुए लोगों का कोई काम नहीं है, जागे रहें, बना के आ जाएं 6 बजे हम करेंगे। सैटरडे हमारी प्रैक्टिस होती है, और आगे लेंट का क्या करना है यदि आप लोग चाहते हो तो आपस में बात करके मुझे बता दें 1-2 दिन में, ताकि उसका भी अनाउंसमेंट मैं फ्राइडे कर दूंगा। उपवास